हेलो वेलकम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं तस्खीर और इस वीडियो में हम रिएक्ट कर रहे हैं तो डगी भाई के लेटेस्ट वीडियो पर मैं रिएक्ट कर रहा हूं गेटिंग रोस्टेड बाय थारा भाई जोगिंदर का दी एंड कर रहे हैं। एक वीडियो और बना चुके थे जिस पर मैंने रिएक्ट नहीं किया है एंड उसका जो रिप्लाई दिया था। एंड थारा भाई जोगिंदर की एक बात और बता दूं मैं, जो भी कोई उसको रोस्ट करता है या फिर कुछ भी बनाता है उसके ऊपर, छोटा बंदा बड़ा यूट्यूबर जो भी हो, सब ने उसकी वाट लगाई है, सब ने रोस्ट किया है। इंडिया में और पाकिस्तान में भी कुछ लोगों ने रोस्ट किया है, तो हर किसी को जवाब देता है वीडियो बनाकर और वो मूकी खाता है एंड डिसलाइक्स उसकी वीडियो पे बहुत ही ज़्यादा होते हैं। बिना देरी के हम स्टार्ट करते हैं, इसमें दी एंड इसका हो जाएगा डकी भाई की तरफ से। लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ। तो क्या चल रहा है आजकल? मैं हूँ आपका फेवरेट यूट्यूबर बो 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 बो। आज हम दोबारा आखिरी बार बात करने जा रहे हैं उस बंदे की जिसको 5 मिनट में पूरे घर का गटर साफ करने का अवार्ड हासिल है, जिसको मुंह से हगने में महारत हासिल है। हम बात करने वाले हैं इंडिया के सुपर स्टार ऑफ द ईयर थारा भाई जोगिंदर की। अब हुआ कुछ यूं था कि थारा भाई जोगिंदर लगे हुए थे अपने इंस्टाग्राम पे फुदकने, जिसकी वजह से कुछ रोस्टिंग चैनलों ने इसकी उठा के ले ली। तो मैंने सोचा कि जब सारे मिलके ले रहे हैं तो क्यों ना मैं भी थोड़ी उंगली डाल दूं बीच में। फिर ले लिए मैंने भी मजे इस वीडियो के साथ। तो अब भाई साहब ने रिस्पांस वीडियो निकाल लिया है, वो भी 3-3। तो मैंने सोचा क्यों ना साथ बैठ के देखी जाए। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो अपनी अपनी सीट बेल्टे पहन लो और गाड़ी का एसी ऑन कर लो और शुरू करते हैं। देखो अब मैं क्या करता हूं। थारा भाई जोगिंदर बोलना, गाड़ी में बैठ के वीडियो बनाता है। मिलो थारा भाई जोगिंदर से, तुम्हें पता इसकी शक्ल देखी, इसकी शक्ल कैसी है? ओ गधे, यूट्यूब पे कोई भी रोस्टर बन सकता है, ये मैं सोच रहा हूँ। तुम अपने आप के अंदर बहुत बड़े सेलिब्रिटी बन गए। तुम पीछे से कपड़े की दुकान में कपड़े देखते हो, उसके बाद तुम यूट्यूब पे चैनल बना के वो करते हो। तुम हो क्या नकली यूट्यूबर? पूरे भारत में जाम होगा, चक्का चक्का जाम। तेरे वास्ते भांडे तोड़े नहीं, फैरी के फैरी। ए चटे खोल, अपने चटिया विच पा, अपने टूई दे पा, कुची ला कुची पा, कुची खात खोतर टूदी खा पहन कुत्ते दले चूड़े। एक तो मुझे ये समझ नहीं आती भैन क्या बहुत जल्दी होती है इन टट्टुओं को वीडियो बनाने में। मतलब कोई रिसर्च नहीं करनी, ना एडिटिंग करनी, ना पैंच गाड़ी का एसी ऑन करना। पसीना देखो मुंह पे ऐसा है जैसे इसके अब्बे ने इसका फोन चेक करके टोटे निकाल लिए हो। नहाने की तो जरूरत ही नहीं पड़ती होनी इसको, पसीने से ही नहाता होगा ये। इंडिया बैठ के मुझे धमकियां दे रहा है कि घर से उठा लूंगा, कहता है पुलिस केस करूंगा। बंदा पता ही करवा लेता धमकियां देने से पहले कि मैं रहता कहां पे हूं। बड़ा कुछ पूछ सकता है तू उधर बैठ के। हिला दूंगा सिस्टम, सिस्टम मिला दूंगा, चारों तरफ जाम होगा। अब ये छपरी यूट्यूबर, इनकी औकात बताऊंगा। बगड़ बम बम बगड़ बम बम बगड़ बम बम बगड़ बम बम। मुझे नहीं पता है ये गैंडा पार्ट टाइम बीट बॉक्सर भी है। एक वीडियो क्या बना दी, तरफ ऐसे रहा है जैसे कीड़े पे नमक छिड़क दिया हो। किसी लाउड स्पीकर दिया बच्चा, तेरे पे वीडियो बनाना मना है क्या? या तो लिखवा के आके तेरी डुई में दाखिला मना है, नो एंट्री का निशान लगा अपनी बुड़ पे। अपने दांतों का इलाज करा पहले घर जाके, उसके बाद रोस्ट मारना। तू रोस्ट मारेगा, तेरा पूरा दांत का जाबड़ा बाहर निकला पड़ा है वो चश्मे। हाँ तो तरीके मजाक में निकाला था ना दांत बाहर, तू तो सीरियस ही ले गया। इन जैसों की गांड में उंगल कर दो तो इतना सीरियस ले लेते हैं कि अगले दिन रेट सेट करके हीरा मंडी के बाहर प्याला लेके बैठ जाते हैं। नुक्कड़ में बैठ के नारे लगा रहे होते हैं, 10 रुपए दे चुप्पे दे, 20 रुपए दे टापे। एक तो कब से इसने एक ही रंडी रोना लगाया हुआ है कि सिस्टम हिला दूंगा, सिस्टम हिला दूंगा। या तो ये अपनी बुंड को नाम दे बैठा सिस्टम का जो हिलाने की बात कर रहे हैं। तू भारत में जैम करेगा, मुझे क्या, मेरे एल पे ठंड है, मैं पहले तो बैठा पाकिस्तान हूँ और दूसरा मैं घर से बाहर दिया था। चल मान लेते तू अभी आ जाएगा इधर, तो के तूने कौन सा अपनी गाड़ी से बाहर निकल जाना है? ट्रैफिक जैम में पैदा होने वाली मनुष्यत डकी भाई। ओ डकी, लो जी पिस्सा डवाना बाहर आ गया गाड़ी से, गाड़ी का पेट्रोल खत्म हुआ है तो खोता गाड़ी से बाहर आ गया। अपने आप को भाई मानता है, मेरा नाम चुरा के अपने आप को तुम यूट्यूबर मानते हो। अबे गुरिल्ले, तेरे पैदा होने से पहले का यूट्यूब पे हूँ। तेरी पहली पोस्ट इंस्टाग्राम पे 2019 की है, जहाँ तू डंडे को मसल मसल के उसको खड़ा करके अपनी डुई में लेने की तैयारी कर रहा है। छोड़े, मुंह पे एक्साइटमेंट देखो जैसे इसके बचपन की ख्वाहिश पूरी होने लगी हो। और उस वीडियो पे भी अपने कॉमेंट खोल के देख, तेरी पैदाइश में लोग लानते दे रहे हैं। ये हमारा डायलॉग चुरा के, हमारा डायलॉग चुरा के यूट्यूब के अंदर व्यू ले जा रहे, उसके बाद अपने आप को बड़ा साबित करना चाहते हो। अबे डंगरा, कौन सा डायलॉग चुराया तेरा? कब से रोला डाला हुआ शक्ति कपूर की नजायज मुठ? तेरता बड़े बड़े खलीफे यूट्यूबर आए थे, कुछ कर पाए जोगिंदर का? कुछ कर पाए जोगिंदर का? जो तू आया उनकी सपोर्ट के अंदर। उनकी सपोर्ट में नहीं आया, तेरी सारे मिलके बुंड मार रहे हैं, तो मैंने सोचा थोड़े मजे मैं भी ले लूं। तू तो बल्कि खुद चाह रहा कि बंदा आके तेरी डुई मारे बिना तेल के। हर रोज बावली गाड़ लेके आए थे, अब लोग तुझे सलूट थोड़ी मारेंगे, गालियां ही फेंकेंगे ना। वही मैंने किया। अपने कमेंट पढ़ लिया करो नीचे कमेंट सेक्शन में,
पब्लिक तुम्हें कितनी गाली देती है। कॉमेंट्स मेरे तो तुम लोगों ने देखे ही होंगे, जरा इसके देख लेते हैं। यूज मी एज अ डिसलाइक बटन, चल जा बंडी के। अबे इतना मत चिल्ला, तेरे पेपरे फट जाएंगे बैंड के लड़े। बहुत प्यार मोहब्बत बांटी जा रही है यार आपकी कॉमेंट्स में थारा भाई। कॉमेंट तेरा एक भी ऐसा नहीं होगा जिसमें लोग तुझे इंसान मान रहे हो। कुत्तों को छोड़ सुअर को तेरे से ज्यादा इज्जत मिल जाती है। तू मेरा पुत्र काम कर, रेड लाइट एरिया चला जा, उधर रंडियों की तेरे से ज्यादा इज्जत है। गली के कुत्ते की तेरे से ज्यादा इज्जत है। मोहल्ले में सबसे बड़े बोंडू की तेरे से ज्यादा इज्जत है। इन सबको छोड़ नासिर खान जान की तेरे से ज्यादा इज्जत है। तेरी इज्जत है क्या? डीसी है तू या कमिश्नर है? हर दूसरा ट्रैफिक वार्डन तुझे रोक के चेक कर रहा होता है कि गांजा तो नहीं फूंके चला रहा गाड़ी। तेरे जैसे फुतुओं का तो एम ही चलान कर देते होंगे। तू घर से बाहर ही क्यों आया है? और आया है तो शक्ल क्यों साथ लेके आया? तू जिस दिन पैदा हुआ था डॉक्टरों का चलान होना चाहिए था। बंदा पूछे ये डॉक्टरों वाली हरकत की है? ये का बवासीर बना दिए हो? एकेरी डॉक्टर ये भाई, तेरी पैदाइश में हॉस्पिटल पूरे का चलान कर देना चाहिए था। एनवायरमेंटल पोल्यूशन का हॉस्पिटल सील कर देना चाहिए था गवर्नमेंट को। अब ज्यादा तर तर की ना बर्फानी डड्डू, मैं तेरी पर्ची फाड़ दी। अगर तू पूछेगा ना क्यों, तो आगे यही बोलूंगा कि चुप, बिल्कुल चुप। अरे एक बात बताऊं, तुम लोग अपने फैंस को बोल बोल के थारा भाई जोगिंदर की वीडियो पे गंदे कमेंट करवाते हो। हर एक पब्लिक को पता इस वाली बात का, हर किसी को पता इस वाली बात का। छोड़िया, किसी को कहने की जरूरत ही नहीं है कि तेरी वीडियो पे जाके कोई कमेंट करे। ऑटोमेटिक सिस्टम है, लोग लांती को ही देते हैं। इंस्टाग्राम पे अगर चुपेरे गिफ्ट करने की ऑप्शन होती तो अगले 10 साल तक तू गिफ्ट ही रिसीव करता रहता। आज तक तुम्हारी वीडियो कोई ट्रेंडिंग पे आई है? हाँ, यही कोई तेरी माड़ी ही तो ट्रेंडिंग वन पे गई थी। उससे आगे घर है तेरा तो उधर जा नहीं सकती। अगर तू है ना बहुत बड़ा अपना लाइव में आजिए, तेरे कपड़े तार दूंगा। समझ गया? कपड़े तार दूंगा। अजीब, इस बंदे के फेटिश ही खत्म नहीं होते। कभी इसको कपड़े उतारने हैं, कभी इसको फिस्टिंग चाहिए, कभी इसको झटके चाहिए। वक्री सस्ती गश्ती है ये। इंटरनेट पे बदमाश बना हुआ है। शक्ल तेरी मौला जाट के गंडासे जैसी है। तेरा वही हिसाब है, मरवानिया बुंडा थे करने पुलिस मुकाबले। अच्छा भाई साहब ने ना दो वीडियो बनाई थी, एक तो ये वाली और दूसरी ये वाली, जिसमें भाई साहब को 5 दिन लग गए ये पता लगाने के लिए कि मैं इसकी बाजी के घर से नहीं पाकिस्तान से हूँ। कान खोल के सुन लिए ओ मोटी बुद्धि के। तेरी बुद्धि भी मोटी है, तेरा दिमाग भी मोटा है, तेरा थोबड़ा भी मोटा है। तेरी डुई में जो हो रहा है वो भी मोटा ही था। खाने के लिए पैसे होने चाहिए, पैसे भी नहीं है। समझ गए भूखलंडी, भूखे नंगो। अबे यार अब ये ना शुरू कर देंगे, पाकिस्तान गरीब है, पैसे नहीं है, नंगा है। बहन तूने गांड साफ किया कभी हगने के बाद? अगर मुल्क पे ही बात करनी है ना तो तेरे जैसा ही गंडू आया है 2-3 साल पहले, उसकी हरी मिर्चों में भिगो के डुई लाल की थी। और गलती तो इन छपरी यूट्यूबर की है। तुम्हें शर्म नहीं आ रही? तुम्हें शर्म नहीं आ रही क्या? तुम लोग अपने देश के लोगों को रोस्ट मारते हो, उसके बाद ये बाहर के लोग आते हैं हमें रोस्ट मारते हैं। क्या इज्जत है? इसकी आवाज बैठी हुई है। थारा भाई जोगिंदर ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरियों पे पाकिस्तान वर्सेस इंडिया चलाना शुरू कर दिया। कह रहा है कि मुझे सपोर्ट करो। तेरे खुद के देश ने कान मार रखी है। अपने कमेंट्स खोल के देख और मुझे ये बता, मैंने अपनी कौन सी वीडियो में इंडिया पे बात की है? मैंने तो तेरे पे बात की है। अब उसमें कोई बुराई है तो बता। उधर इंडिया में बैठ के रोस्टर्स पाकिस्तानी बंदों की डुई ले रहे होते हैं। कैरी मिनाटी वकार जका की मार देगा, नासिर खान की मार देगा, नुमान खान की मार देगा, वो एंजल बसरी वाले की मार देगा। हमने तो कभी रंडी रोना नहीं किया क्योंकि हमें पता है शुगर लगा रहे हैं। लेकिन तू बहन सिंपथी शुरू कर दे इंडिया वर्सेस पाकिस्तान बना के। और चल अगर तूने इंडिया वर्सेस पाकिस्तान बनाना भी है तो छोड़िया, इंडिया को तो तू रिप्रेजेंट कर रहा है। इससे बड़ी बदनामी क्या हो सकती है इंडिया की? तू एक बार अपनी आवाम को तो पूछ ले जो तुझे गालियां दे रही है कि तुझे ही आगे करने के नहीं। ये ना वो थारा भाई जोगिंदर अकेला पहुंचाओ बॉर्डर पे झंडा लेके, पीछे मुड़ के देखे तो कोई हो ही ना। वो तो सलमान खान था ना जो मुन्नी को लेके वार गया था, तुझे तो मैं वार के रख दूंगा अंदर। ना इतना पाकिस्तान इंडिया किया कर, जा किसी बड़े को बुला के लेके आ और साथ में मुंह भी धो के आ। ना हमने कभी इंडिया वर्सेस पाकिस्तान किया है और ना ही करेंगे। तो तू अपनी ना बटना पेश कर दादा। साले तेरी खुद की आवाम को आके लानते देरी होती है आके बातें ना। तेरे को मैसेज भी किया था? मैसेज पे भाई साहब बकवास कर रहे हैं कि तेरे घर आके मिलता हूँ, इसको पता भी नहीं कि मैं कहाँ पे रहता हूँ। और बदमाश होने का भी हाल देखो, मेरे से नंबर खुद मांग रहा है। मतलब अगर कोई बदमाश होता है ना टट्टों में पानी होता है तो वो नंबर निकलवाता है, नंबर भीख नहीं मांग रहा होता कि यार अपना नंबर दे दो। कहता है अभी जाके सो जा, कल मिलते हैं, पुलिस को लेके आऊंगा। कल आया कोई नहीं, मैंने खुद ही मैसेज कर दिया कि पुत्र तेरी पुलिस नहीं आई अभी तक। बातें चुतने से बच्चे होते हैं ना तो तेरे हजार होते हैं और सारे दीपक कलाल जैसे होते हैं। तू इधर बॉर्डर पे आ जा, तेरी फौजियों के सामने गांड ना मारी, मेरा नाम बदल दई। तूने पाकिस्तान में आ जा, खुली छूट है तेरा। इधर पतीसा अवार्ड पे फुटू ऑफ द ईयर की कैटेगरी बनवाता हूं। तेरी मैं गांड में बाजा फिट कर देना, सारी जिंदगी बचता रहेगा, जितनी देर से गुजरता रहेगा फ्री में चुपेरे पड़ती रहेंगी तुझे। जा दवाओ अब। वीडियो एंड करने से पहले मैं एक चीज क्लियर कर दूं, ना मेरा कोई पाकिस्तानी से दुश्मनी,
ना मेरी कोई इंडियन से दुश्मनी, सारे मेरे भाई हैं, लेकिन इन जैसे चुतियों को अवॉइड करें, बहुत बहुत मेहरबानी। अब अगर वीडियो पसंद आई तो यार लाइक मारो, और अगर पहले से नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब करो। इस वीडियो पे कर दो जी 3 लाख लाइक्स, और अगर सब्सक्राइब करोगे तो बेल आइकन लाजमी दबाने हैं। पिछली वीडियो पे तुम लोगों ने लाइक्स पूरे नहीं ना किए, बिस्ती करवा दी मेरी, गजब बेइज्जती है। ही रह गया प्यार, मैं तुम लोग के लिए बहुत ही अमेजिंग वीडियो था भाई, वीपीएन नहीं चलाने देता और तुम लोग मेरे साथ ये कर रहे हो। लगता है तुम लोगों ने आजकल ऑफर से ही नहीं आ रही, तो अभी अभी डक्की बाई टीम ने डिसाइड किया है कि आज की वीडियो पर हर डिसलाइक करने वाले को 2 किलो बीमा कलर की टट्टी, 1 चम्मच तो अकल आ जाएगी। तारा भाई जोगिंदर ने वाकई में सबके सर में दर्द कर रखा था, एंड सही बात है, इंडिया पाकिस्तान नहीं हुआ था, लेकिन उसको करने की अब ज़रूरत भी नहीं है। इस मुद्दे में इंडिया पाकिस्तान करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हेल्दी रोस्ट करते हैं लोग, इंडिया के भी पाकिस्तान के रोस्ट करते हैं, पाकिस्तानियों का रोस्ट करते हैं, पाकिस्तानी इंडिया का रोस्ट करते हैं, मतलब इंडियंस का रोस्ट करते हैं, बहुत सारे कुछ लोगों का, ऐसे जो फ़नी लोग होते हैं जो करने लायक होते हैं तो करते हैं, हमेशा करते हैं और करते आए हैं, और बुरा बोलने वाले बुरा बोलते हैं और अच्छा बोलने वाले अच्छा बोलते हैं, जो लोग समझते हैं वो समझ जाते हैं, बहुत से लोग फ़ायदा उठाते हैं, सिंपथी गेन करने की कोशिश करते हैं। रकी भाई की बहुत ही सही बात लगी मुझे, और वो मुझे पता है रकी भाई गेमिंग वेमिंग भी करते हैं, आए दिन कुछ दिन में इंडियंस के साथ गेमिंग भी कर लेते हैं, ऐसा कोई मसला नहीं है। यूट्यूबर्स जो हैं बड़े बड़े, उनको समझ होती है इस चीज़ की, लेकिन वही है ना, जो जिसको नया नया फेम मिला हुआ होता है, जिसकी पूरी दुनिया ले रही होती है, उसको समझ में नहीं आता है क्या करूँ, तो वो सिंपथी गेम खेल लेते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त वाट लगाइए इसमें, आज कमाल कर दिया, नॉट आउट भाई, मारते गए, मुझे तो लग रहा था कि नॉट आउट ही वापस आ जाएंगे, लेकिन एंड कर दिया वीडियो का, लगातार रेगुलर जल्दी जल्दी तेज़ स्पीड में बोलते जा रहे थे। और हाँ जी, एक बात और बता दूं आपको कि इस वीडियो का भी रिप्लाई आ गया है, ये वीडियो शायद कल आया था डकी भाई का, और उस बंदे का रिप्लाई आ गया है डकी भाई के ऊपर, मतलब इतनी जल्दी वीडियो बना लेता है, अपनी कार में बैठ के उसको वीडियो बनानी होती है, फटाफट रिकॉर्ड कर डाल देता है, एंड डिसलाइक्स आप जाकर देख सकते हो। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, बाय बाय, टेक केयर, साइनिंग ऑफ।